नमस्कार, मैं प्रिया अजय साजून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में तेजी से हुआ इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 233 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 4831 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 6, औरंगाबाद में 3, बांका में 2, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 14, भोजपुर में 4, बक्सर में 3, दरभंगा में 5, गया में 4, गोपालगंज में 3, जहानाबाद में 1, कैमूर में 6, खगड़िया में 1, किशनगंज में 9, मधुबनी में 16, मुंगेर में 15, मुजफ्फरपुर में 2, नवादा में 12, पश्चिम चंपारण में 12, पटना में 5, पूर्वी चंपारण में 8, पूर्णिया में 25, समस्तीपुर में 10, सारण में 11, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 13, सुपौल में 19, वैशाली में 5 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 2298 पर। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते शाम 4 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में अब तक कुल मिलाकर 95,473 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से अब तक 4700 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार कोविड 19 की इस परीक्षा को 2298 मरीज पास कर चुके हैं। चमकी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बिहारवासियों को चमकी का सामना करने के लिए मिथिलांचल के लोगों को 542.10 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया है। वहीं 88.38 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है, जिससे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिलांचल के झंझारपुर में नए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल झंझारपुर का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने मुजफ्फरपुर में 100 बेड के अस्पताल का लोकार्पण भी किया है, क्योंकि झंझारपुर इलाके के लोगों को इलाज के लिए अब तक दरभंगा DMCH या फिर मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था, मगर अब उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन। बंद के खत्म होते बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बूथों की वेरिफिकेशन भी की जा रही है। नई मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम भी अब जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए नया शेड्यूल जारी होने का आदेश जारी किया गया है। स्कूल से बाहर छात्रों को स्कूल लाने की हो रही है तैयारी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 1,10,000 से अधिक आउट ऑफ स्कूल छात्रों को अब स्कूल में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। खबरों की माने तो इन सभी छात्रों को स्कूल आने के बाद पहले उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए पूरी रणनीति बना ली गई है। शिक्षा विभाग में जानकारी साझा करते हुए यह भी बताया है कि यह वैसे छात्र हैं जो कुछ सालों से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे। शिक्षा विभाग में इस बात का भी आश्वासन दिया है कि ऐसे लगभग छात्रों की पहचान का काम पूरा कर लिया गया है। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर इनसे जुड़ी सभी जानकारी का डेटा भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सरकार के इन छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ाने और जरूरी कौशल दिखाने के लिए केंद्र से धनराशि की मांग की है। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में 2,986 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2,986 शिक्षकों और प्राचार्य की नियुक्ति जल्द होने वाली है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों से इन पदों पर आवेदन भरने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, इन प्रारूपों पर विज्ञान और प्राविधिक विभाग द्वारा अनुमोदन दिए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। सब कुछ सही चला तो 15 जून तक इस पूरे प्रक्रिया के खत्म होने की आशंका जताई गई है, जिसकी जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री जय कुमार सिंह ने दी है। बिहार में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी। बिहार में भी कोविड 19 के गंभीर मरीजों को स्वस्थ करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि बिहार में प्लाज्मा डोनर मिल गया है। राज्य का यह पहला प्लाज्मा डोनर है। खबरों के अनुसार प्लाज्मा डोनर के परिवार के 4 लोग कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इनके जैसे ही राज्य के लोगों में से पटना के दीपक कुमार डोनेशन के लिए तैयार हुए थे, जिसके बाद उनके शरीर से सिर्फ 500 ml प्लाज्मा निकाला गया है। जल्द ही इस प्लाज्मा को संक्रमित व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। खबरों के अनुसार सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट पटना के एम्स अस्पताल में किया जाएगा। बंद के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों से लिए 1.13 करोड़ रुपए। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार ने बार बार सभी लोगों से बंद के नियमों का पालन करने की अपील की थी। हालांकि कुछ ऐसे लोग थे जो नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे थे। 68 दिन के बाद की अवधि में पुलिस विभाग ने अब तक 1.13 करोड़ रुपए की वसूली की है। साथ ही 863 मामले भी दर्ज किए हैं। पुलिस विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार इन 68 दिनों में लगभग 38,776 वाहन चालकों ने इन राशि की वसूली की गई है, जिसकी जानकारी पटना के SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने दी है और कहा है कि बंद का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया गया है। साथ ही इन लोगों से राशि की वसूली भी की गई है।
कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों की डेडिकेटेड टीवी चैनल पर होगी पढ़ाई। कोविड 19 के इस माहौल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सड़कों पर आ गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों के समय का सदुपयोग करने के लिए डेडिकेटेड टीवी चैनल पर पढ़ाई करने का आदेश जारी किया था। इसी की जानकारी शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने दी है और साथ ही इस मामले को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए शुरू किए जा रहे 12 डेडिकेटेड टीवी चैनल में से एक पर बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की पढ़ाई भी होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। 15 जून से बिहार के हर जिले में शुरू होगी कोविड 19 की जांच। 15 जून से बिहार के हर जिले में कोविड 19 की जांच की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। अभी फिलहाल 26 जांच केंद्रों में कोविड 19 की जांच हो रही है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद 15 जून से सभी जिलों में जांच शुरू की जाएगी। वहीं उन्होंने हर दिन 4000 सैंपल की जांच होने का आश्वासन भी दिया है और साथ ही कहा है कि अभी आरटीपीसीआर मशीन से करीब 4000 सैंपल की जांच हो रही है। शेष जांच सीबीनेट मशीन और ट्रूनेट मशीन के द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद बिहार लगातार जांच क्षमता को बढ़ाने के प्रयास में कार्यरत है। कटिहार के एक रसोइये का एक चतुर नार गाने पर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। बीते दिन कटिहार के स्वर्गीय लक्ष्मण मंडल +2 माध्यमिक उच्च विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में एक वीडियो लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में क्वारंटाइन सेंटर में खाना बनाने वाले रसोईया, जिनका नाम रिंकू है, वह खाना बनाने के साथ साथ अपना नृत्य कला पेश कर रहे हैं, जिसके तहत वह क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों की फरमाइश पर किशोर कुमार के बहुचर्चित गाने एक चतुर नार पर डांस करते नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है। वीडियो के जारी होने के बाद तेजी से इस वीडियो को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है। एक ही वेबसाइट से अब मिलेगी सभी विभागों की जानकारी। अब देश के लोगों को सभी विभाग की सूचना एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के नए वेबसाइट का लोकार्पण कर दिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से बनाई गई नई कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइट का लोकार्पण किया है। इस वेबसाइट पर सभी विभागों की सूचना एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, सभी विभागों की सूचना को अपडेट भी इसी वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी, जिसकी सराहना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करते हुए कहा है कि सभी विभाग इस वेबसाइट का उपयोग करें और अपने विभाग से संबंधित सूचनाओं को इस पर नियमित रूप से अपडेट करें। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर की टिप्पणी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर बीते दिन खूब सारी बहसबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर कहा है कि चिराग पासवान की जवानी भी आडवाणी जैसी हो गई है, जिसमें आडवाणी जी को वरिष्ठ नेता होने के बावजूद तवज्जो नहीं दी जाती थी, वहीं हाल चिराग पासवान का है, उनको कोई भी पूछ नहीं हो रही है। वहीं चिराग पासवान ने भी बंद के दौरान उत्पन्न प्रवासी मजदूरों की समस्या को कम करने के लिए बिहार सरकार पर बीते दिन टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। बिहार के 17 गांव में वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी खेती। बिहार के 17 गांव का चयन कर लिया गया है, जहां पर वैज्ञानिक तरीके से खेती की प्रक्रिया करवाई जाएगी। यहां के किसानों को बीज और सिंचाई के साधन निःशुल्क दिए जाएंगे। गांव में खेती करवाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि अच्छी पैदावार हो सके, जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बिहार के सभी 17 कृषि विज्ञान केंद्र ने एक एक गांव का चयन कर लिया है। नवंबर के पहले सप्ताह में गेहूं की बुआई शुरू कर दी जाएगी। विद्यालय की तरफ से चयनित गांव में धान की खेती का काम फिलहाल जारी है, इससे किसानों को काफी ज्यादा सहूलियत मिली है। निफ्ट के डिजाइन के खादी के कपड़े अब पहुंचाए जाएंगे घर घर तक। राज्य में खादी के कपड़ों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की तैयारी शुरू कर ली गई है, जिसके तहत खादी बोर्ड अब कपड़ों को ऑनलाइन बिक्री शुरू करने वाला है। इसके लिए सरकार की तरफ से बोर्ड का पोर्टल तैयार किया जा चुका है। महीने के अंत तक पोर्टल पूरी तरीके से बन जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पोर्टल के माध्यम से खादी की वस्तुओं को बेचने में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। अभी तक खादी के वस्त्र और सामान सिर्फ मॉल और अलग अलग दुकानों में मिला करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से यह जगह जगह पर पहुंचाए जाएंगे। कुशवाहा सैनी के साथ हुई बैठक पर मांझी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सैनी के साथ हुई बैठक में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यह कोई महागठबंधन की बैठक नहीं है। हम गठबंधन की बैठक बुलाने वाले कौन होते हैं? महागठबंधन को बैठक को बुलाना है और उस समय कोई नहीं जाएगा तो सवाल उठ सकते हैं। वहीं राज्य द्वारा गरीब अधिकार दिवस के आयोजन में मांझी समेत कुशवाहा और सैनी को आमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने अंत में यह जरूर कहा है कि महागठबंधन में फिलहाल कोई विवाद नहीं है, लेकिन हम सब नहीं मिल रहे हैं। पटना महावीर मंदिर में अल्फाबेट सिस्टम से होगा दर्शन। पटना के हनुमान मंदिर में अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सभी लोगों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। बिहार में केंद्र की तरफ से जारी किए गए नए गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थानों के खुलने के बाद ऑड इवन सिस्टम से भक्तों व श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार भी दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों पर एक बार फिर से दर्शन की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही बिना मास्क वाले लोगों को मंदिर के परिसर में एंट्री नहीं मिलेगी, साथ ही ऑनलाइन दर्शन करने वालों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। अमित शाह की वर्चुअल रैली के लिए शुरू हुई तैयारी।
अमित शाह की वर्चुअल रैली की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके तहत आज भाजपा की होने वाली रैली कई मायनों में खास होने वाली है, जो कि सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। यह रैली ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसमें 3.5 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर भाजपा पूरे जोर शोर से जुटी हुई है और तैयारी पूरी की जा चुकी है। खबरों की माने तो अमित शाह इस वर्चुअल रैली में सबसे पहले कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए 20 लाख करोड़ के बारे में बताएंगे। सीढ़ी लगाकर पटना की सड़कों पर खुद पोस्टर लगाते दिखे तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पुलिस मुख्यालय के उस चिट्ठी को लेकर अब तक नाराज नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रवासियों के आने से बिहार में सुरक्षा व्यवस्था के खराब होने की बात कही गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए राजद ने अब एक नया बड़ा पोस्टर बनवाया, जिसको पटना के हर जगह पर लगाए जाने का ऐलान जारी कर दिया गया है, जिस पर चिट्ठी की ओरिजिनल फोटो भी लगाई गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव ने खुद पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी उठाई है और सड़कों पर खुद ही पोस्टर लगाते हुए नजर आए हैं, जिसके तहत बीते दिन सबसे पहले तेजस्वी यादव को राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाते देखा गया था। जदयू मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को दी पढ़ाई करने की सलाह। जदयू मंत्री नीरज कुमार ने बीते दिन तेजस्वी यादव को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लालू और राबड़ी की सरकार में हालात क्या थे, पहले तेजस्वी को इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को पढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि उनको जानकारी का अभाव है। बिहार सरकार ने 8,000 करोड़ से अधिक रुपए कोविड-19 संक्रमण के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव 8वीं पास है, लेकिन लिखने में वह घबराते हैं। अगर उनको कोई सुझाव देना है तो सरकार को वह हिंदी में लिखकर भेजे। सुशील मोदी ने लालू राबड़ी के राज्य में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कही दो टूक बात। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया था, वहीं अब उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि राजद कांग्रेस राज्य में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, जबकि एनडीए सरकार में 5 मेडिकल कॉलेज और 11 प्रस्तावित किए गए हैं। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा की अनुशंसा तकनीकी सेवा आयोग से सरकार को प्राप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आजादी के बाद बिहार में भागलपुर छोड़कर एक भी मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में स्थापित नहीं किया गया है। लालू यादव के 73वें जन्मदिन की तैयारी हुई शुरू। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। लालू यादव का जन्मदिन 11 जून को मनाया जाना है। हालांकि इस बार उनका जन्मदिन कुछ खास होने की संभावना जताई गई है, क्योंकि यह साल बिहार का चुनावी वर्ष है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच इस बार एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लालू के जन्मदिन में अभी समय बाकी है, लेकिन राजद कार्यकर्ता अभी से पोस्टर लगाकर उनके जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। राजद के प्रदेश कार्यालय के सामने इनकम टैक्स कोलंबर पर राजद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिया है। इस पोस्टर में लालू यादव को सदी के सामाजिक न्याय का महानायक बताया गया है। इस पोस्टर में राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटे भी मौजूद है। गूगल ने एक दिन में कितने घंटे वीडियोस देखे जाते हैं उसका जारी किया ब्यौरा। गूगल ने हाल ही में भारतीय द्वारा एक दिन में कितने घंटे वीडियोस देखे जाते हैं उसका ब्यौरा जारी किया है। गूगल ने बताया है कि हर 3 भारतीयों में से एक औसतन रोज 1 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन वीडियोस देखता है। गूगल के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑनलाइन वीडियोस के हिसाब से 54% के साथ सबसे ऊपर हिंदी है। इसके बाद अंग्रेजी 16%, तेलुगु 7% और कन्नड़ 6%, तमिल 5%, बंगला 3% व्यक्तियों के द्वारा देखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के ऑनलाइन वीडियोस देखने वालों की संख्या बढ़कर 50 करोड़ हो जाने का अनुमान लगाया गया है। भारत में आईपीएल के आयोजन को लेकर बोर्ड दो गुटों में बटा। आईपीएल के आयोजन को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने देखने को मिल रही है, जिसके तहत कुछ दिनों पहले आईपीएल को पूरी तरीके से स्थगित करवाने पर कुछ लोग सहमति जता रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इसे बिना दर्शकों के करवाने का मन बना रहे थे। इतना ही नहीं, आईपीएल को भारत से बाहर करवाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हर हाल में टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए और यह उनकी प्राथमिकता है, और इसका यह मतलब है कि इसे देश से बाहर ले जाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई आईपीएल के आयोजन को लेकर हर संभव कदम के बारे में सोच विचार कर रहा है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी कदम उठाया जाएगा। दुनिया के टॉप 100 कमाई करने वाले में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का नाम आया सामने। बॉलीवुड के खिलाड़ी नंबर 1 के नाम से मशहूर अक्षय कुमार ने अपनी जगह 100 सबसे अधिक कमाने वाले सेलिब्रिटीज की सूची में बना ली है, जिसमें अक्षय कुमार ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके तहत अक्षय कुमार को इस बार 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स 2020 की ओर से जारी किए गए सूची में ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की सूची तैयार की गई थी, जिसमें अक्षय कुमार को जगह मिली है। हालांकि पिछले साल अक्षय कुमार को 32वां स्थान प्राप्त हुआ था, वहीं इस साल उनकी कमाई में 22% कमी दर्ज की गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रिंकू कुमारी, साधना सिंह, प्रकाश यादव, सुरेश कुमार, रमेश सिंह,
प्रभास बबलू, श्वेता अग्रवाल, नेहा रॉय, राकेश मिश्रा, मीला कुमारी, सीमा कुमारी, काजल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, इतने दिनों के लॉकडाउन में आपने अपने अंदर कौन सी अच्छी या बुरी चीज महसूस की है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।